ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैंने इनके पर काट दिए थे थोड़े थोड़े से, ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे। इन पर काटने का मकसद क्या था? पर जो है ना, कई लोग कहते हैं नहीं काटने चाहिए, कई लोग कहते हैं काटने चाहिए, और यहाँ तक मुझे समझ आई है पर काटने भी चाहिए और नहीं भी काटने चाहिए। वो इसी हिसाब से कि जो सेहतमंद चूज़ा हो, जिसके पर अपने जिस्म के मुताबिक ठीक हो, जैसा कि आपको ये वाला चूज़ा नज़र आ रहा है, ये वाला माशाल्लाह से ठीक है। तो ये जो है ना, एक तो ये नर है माशाल्लाह, और इसके जो पर है जिस्म पे वो बहुत कम है। तो अगर मैं इसके ये वाला भी पर काट देता, देखना नीचे से बिल्कुल ये गंजा है, तो जब सर्दी होती इसको ठंड लगती तो इसको फिर मसला बनता। जबकि ये जो आपको नज़र आ रही है ये मुर्गी है, ये वाली भी मुर्गी है, ये सारी जितनी भी हैं दुमों वाली, ये सारी मुर्गी हैं। तो इनके माशाल्लाह पर जिस्म पे निकलना शुरू हो जाते हैं, और इनका देखें आप कि जिस्म छोटा है पर बड़े हैं, तो इसलिए मैंने इनके पर काटे। तो जिनका जो पर हैं वो छोटे हों और जिस्म बड़ा हो, तो उनके पर हमें नहीं काटने चाहिए, और जिनके जो पर हैं वो बड़े हों और उनका जिस्म छोटा हो, तो उनके पर हमें अब जैसे ये उड़ के ऊपर गया है, ये भी नर है, ये मादा नहीं है ठीक है। तो इसलिए इसके भी मैंने पर नहीं काटा, क्योंकि जो नर होते हैं ना मोस्टली उनके पर कम होते हैं, और जो मादा होती है उनके पर ज़्यादा होते हैं। तो ये देखें, ये बारिश के बाद का ये हाल है कि बिल्कुल गीली हुई है मिट्टी, और ये जैसे ये माशाल्लाह से ये छोटे चूज़े फिर रहे। तो मेरे इलम के मुताबिक ये वाला नर है, ये ब्राउन वाला, ये वाली मुर्गी है, और वो वाली भी मुर्गी है। तो अब माशाल्लाह उसका पर देखें, ये काफ़ी हद तक ठीक है, अभी उड़ना भी शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। तो ये इनकी मदर है, और एक मुर्गी अंडा देने गई भी है। दुआ करें कि ये जल्दी जल्दी बड़े हो जाएँ ठीक है। ये मुर्गियाँ माशाल्लाह काफ़ी दिनों बाद धूप निकली, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ये देखें, दो से तीन दिन हो गए इस तरह की धूप ही नहीं निकल रही थी, बल्कि बारिश हो रही थी, ज़्यादा हो गए दिन। तो ये आपके सामने ये देखें सारा गीला हुआ है अभी तक, हालांकि कितनी तेज़ धूप है, तो आप अंदाज़ा यहाँ से कर लें कि कितनी तेज़ बारिश हुई होगी ठीक है। ये बर्तन उठा लेते हैं, ये सारे अब यहाँ पर आ गए, जैसे पता नहीं इनको मैं कुछ खाना देने लगूँ, थोड़ा सा दे देते हैं इनको खाना ताकि, लेकिन नहीं अभी इन्होंने खाया पिया हुआ है, तो इसलिए मैं ऐसे ही बर्तन खरीदा। अब ये देखें ऐसे ही बस आ गए हैं ये, जैसे इनको पता नहीं मैंने क्या देना है। ये एक दूसरे के चूज़ों को बहुत मारते हैं आपस में भी, अब ये लड़ने शुरू हो गए। अच्छा देखो ये नीचे करती है या नहीं, नहीं कर रही। अभी ये लास्ट अंडा ही दे रही है, इसका नौवां अंडा है, ये नाइन इसने एग्स दे दिए हैं। ये देखें शायद इसको नीचे करे, ये हल्की हल्की सी आवाज़ें भी निकाल रही है, मैं उठा ही लेता हूँ, इसने उठ जाना है, अंडा ख़राब ही करना है इसने 2-4 घंटे हीट दे के। और आगे से मैं ये गिरा देता हूँ ताकि, अब ये देखिए ये पीछे लगे जैसे अंडा मैंने इनको खिलाने, जबकि मैंने अंडा इनको नहीं खिलाना मैंने ठीक है। ये अंडा, और ठीक है व्यूअर्स, आपको उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। और हाँ एक और चीज़ रह गई, वो चीज़ ये है कि ये जो चारपाई है इसको खड़ा करना है, इसके ऊपर पहले भी कितने सारे निशानात हैं, नीचे से निकल जाओ चूज़ो बच्चों शाबाश, तो पहले भी इतने सारे निशानात हैं इसके ऊपर बिठों के, तो ख़ुद बैठना होता है इसके ऊपर, और ये आके बैठ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने निकाल दिए। अब ये मेरे कदमों में आएंगे, ओए बेचारे का पर निकाल दिया यार। अब ये जो है ना कदमों में आएंगे ऐसे करके, मैं इसको बड़ी मुश्किल से यहाँ से हटा के नीचे जाऊँगा, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, सुबह खा चुके हैं इनके, आपको पोटे नज़र आ रहे होंगे माशाल्लाह भरे हुए हैं, तो लेकिन बस इनको खाने की आदत पड़ रही है माशाल्लाह, कुछ भी हो खाने, और इसीलिए अब मैं इनको नहीं दूँगा। तो शाम की डाइट मैंने दोस्तों अपने चिकन्स को दे दी हैं, और ये मैं एक नया ड्रिंकर लेकर आया हूँ, ड्रिंकर इसके नीचे वाला टूट गया था, ये जो नीचे वाला था मैंने आपको दिखाया था, और ये ड्रिंकर, ये ऊपर वाला तो पुराने वाला है, जो इसकी बॉटल है, जो इसका जो लिड है वो मैं न्यू लेकर आया हूँ। और ये देखें मैं दाना भी इनके लिए लेकर आया था अभी अभी, और डाल दिया मैंने यहाँ पर, ये इजीली दाना इंजॉय करेंगे अपना ठीक है। फिर इसके बाद इंशाल्लाह ये ऊपर चढ़कर आ गया है माशाल्लाह चूची, ये देखें माशाल्लाह
मुझे जहाँ तक लगता है कि जो मुर्गी है ना ये वाली, ये इसी महीने में रमज़ान के महीने में अंडे देना शुरू कर देगी और अपने बच्चों को छोड़ देगी, क्योंकि ये माशाल्लाह से क्रॉसिंग पे आ गई है। अल्लाह करे सब चूड़े जल्दी जल्दी से बड़े हो जाएं सही सलामत। ये देखें ये माशाल्लाह यहाँ पे चार चूज़े, यूँ लड़ाई भी कम होगी। ये वाला काम ठीक रहेगा कि ऊपर मैंने दे दिया है इनको यहाँ पे दाना अलग से जो, और इनको नीचे दे दिया है, ये नीचे खुश और ये ऊपर खुश माशाल्लाह। वीवर ये भी मेल है, एक ये मेल है और एक ये नीचे इधर है, ये चूज़ों में से यही सिर्फ दो मेल है, बाकी सारी फीमेल है। ये देखें कितना गंजे हैं ये बेचारे। अब वो एक नीचे चू चू कर रहा है। इधर आओ भाई, तुम्हें भी ऊपर चढ़ाऊँ, इधर आओ जल्दी जल्दी आओ, आ जाओ। नहीं जाएगा तुमसे ऊपर, ये देख है माशाल्लाह। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आ जाओ शाबाश, इधर आओ खाओ अब। तो अब ये जाएगा और खाएगा, लेकिन असल में इसने माशाल्लाह थोड़ा सा खाया हुआ है इसलिए इसका पोटा फुल है और अभी ये इसका खाने को दिल नहीं कर रहा। लेकिन यार इनकी ग्रोथ बहुत स्लो है, लग रही है जल्दी से अपनी ग्रोथ सही कर लें। आपके सामने मैं इनको अंडा उबाल के भी देता हूँ, एग बॉयल करके। तो पता नहीं ये या तो डर की वजह से छोटे हैं उनसे, क्योंकि ये खुराक ये भी वही खाते हैं और जो ये वाले चूज़े हैं ये भी वही खुराक खाते हैं। ये वाले चूज़े सिर्फ 20 डेज इनसे बड़े हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि यार कोई ऐसी चीज़ जो मैं इनको देता हूँ और उनको ना देता हूँ, शायद ब्रीड का फ़र्क हो। ये भी हो सकता है कि वो जो ब्रीड है वो छोटी हो। और दूसरी बात ये कि ये जो इनके जो चूज़े हैं दो से तीन, बल्कि ये इंजर्ड भी हुए हैं, थोड़ा सा इनको मसाइल भी हैं इसलिए।